की एक खास है और ये हमारे यहाँ के राजस्थानी लोकप्रिय होता है। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे लग जाता है, इसमें पांच लॉक है। ये रानी का ज्वेलरी बॉक्स है, ये लॉक जो ये राजस्थली टेक्सटाइल लिखा उसका बैक साइड जो बिल्डिंग देख रहे हैं जोधा भाई का बर्थ पैलेस है। जोधा भाई ज्योति राजा बारग में लड़की थी, सुजामल की बहन थी और मानसिंह की बुआ लगती थी। यहाँ पे जोधा भाई का जन्म हुआ था। इस गांव में पुराने 365 मंदिर है, नेकियों की गिनती नहीं है सर। सामने जो ब्लैक वाला टेम्पल देख रहे हैं ये वाला जो वर्ल्ड का पहला मंदिर है कृष्ण और मीरा का, काली गोडेश टेम्पल माता का मंदिर है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं 400 साल पुराना है। 400 साल पुराना यस। अंदर में जो मूर्ति है इसको राजा मानसिंह 16 सेंचुरी में जसवर बंगाल से लेकर आए थे। पहले के समय नरबली जाते थे, एक इंसान की भीड़ डेली, उसके बाद में बफेलो की भीड़ ने स्टार्ट किया। बफेलो की भीड़ ने स्टार्ट किया, उसके बाद में पहले इंसानों की बलि फिर बफेलो की। आज भी एक गोट की बलि डेली जाती है, सुबह 6 बजे एवरीडे यहाँ बलिदान होता है यहाँ पे। और एक वाइन की बोतल माता के डेली चढ़ती है, काली की मूर्ति है उसके ऊपर जसोरिया काली के नाम से जाना जाता है। सामने दरवाजे आप लोग देखे चांदी के बने हुए हैं, एक तरफ 10 काली के रूप है, एक तरफ 9 दुर्गा के रूप है। फोटो बन निकालो सर। सामने जो गणपति देख रहे हैं दुनिया का थोड़ा मूंगा फत्ता स्टोन कोरल है, 1 पीस में 7 के जी का मूर्ति बनाया गया है, जिसके नाम से जयपुर का तीसरा नाम जैन सिटी रखा गया है सर। जो हमारे आज भी राजा महाराजा टाइम के एस्ट्रोलॉजर वगैरह बैठते हैं। जयपुर का तीसरा नाम जैन सिटी। जैम सिटी यस। क्यों पड़ा था जैम सिटी? जैम सिटी इसलिए कि स्टोन का होलसेल मार्केट मंडी सबसे बड़ा जयपुर। जैसे डायमंड के लिए गुजरात सूरत और अपने क्या नाम से ये फेमस है बॉम्बे, उसी के लिए कि ये इसी के नाम से जैम सिटी रखा। ओके अभी चलेंगे राजा की जेल अंदर आने की ज्वेलरी बॉक्स देख रहे हैं। राजाओं के समय की जेल बनी हुई है जो कि पहले के समय में के लिए हो सकती थी, बट लेकिन हम तो जेल नहीं बोल सकते क्योंकि ये सारे स्टेबल होते हुआ करते थे। यहाँ पे क्या घास वगैरह जो होती थी उनके लिए मतलब हॉर्स वगैरह होते थे उनके लिए रखी थी। उसके लिए लेकिन सभी लोग यही बोलते हैं कि राजा के समय की जेल। ये महल का एग्जिट पॉइंट है बाथरूम निकलने के लिए। ये एग्जिट पॉइंट सामने जो आप लोग देख रहे हैं, पहले के समय पीपल गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी सर, तो पहले के समय बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी चलती थी, तो उनकी सहायता से तोप के पार्ट्स वगैरह लेके जाते थे कैनन के, इनकी सहायता से लेके जाए। ये है रानी का ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स यस सर। इसके अंदर में रानियाँ ज्वेलरी वगैरह रखते रहते थे। इसके अंदर में 5 लोग हैं सर, 3 लोग तो यहाँ पे, 1 लोग यहाँ पे है, उसके अलावा 1 लोग इसको बंद करने के लिए यहाँ पे लग जाता है। इसमें 5 लोग हैं। ये रानी का ज्वेलरी बॉक्स है, ये लॉक जो यहाँ की जो ज्वेलरी है आज भी वो राजा की रॉयल फैमिली के पास में जो सिटी पैलेस के अंदर बैठे थे। ये सब अच्छा में दुआ करते थे, यहाँ पे ओट्स वगैरह बांधे जाते। आप लोग जयपुर ओल्ड जयपुर बना हुआ है जो 1000 साल पुराना गांव है। पहले के समय राजा महाराजा का रेजिडेंस यही हुआ करता था। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग जो ये राजस्थली टेक्सटाइल लिखा उसके बैक साइड जो बिल्डिंग देख रहे हैं जोधा भाई का बर्थ पैलेस है। जोधा भाई ज्योति राजा बारग में लड़की थी, सुजामल की बहन थी और मानसिंह की बुआ लगती थी। यहाँ पे जोधा भाई का जन्म हुआ था। इस गाँव में पुराने 365 मंदिर है, नेकियों की गिनती नहीं है सर। सामने जो ब्लैक वाला आप टेम्पल देख रहे हैं ये वाला जो वर्ल्ड का पहला मंदिर है कृष्ण और मीरा का, जो उस टाइम पे 972,000 के लागत से बनाया गया था, जिसको राजा मान सिंह फर्स्ट ने अपने लड़के जगत सिंह की याद में बनाया था। मंदिर का नाम है जगत श्रोमणी टेम्पल। ये जो वॉल देख रहे हैं वही बाउंड्री वॉल से जो मैंने आपको वहाँ से दिखाई थी। ये 7वां वोस्ट टावर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है जयगढ़ फोर्ट। दबंग 3 पिक्चर देखी होगी,
या आपने अजनबी देखी होगी। हाँ कभी सभी पिक्चर शूटिंग वहाँ पे हुई है सर। अच्छा लाल बादशाह देखी होगी। हाँ हाँ वो सब वहाँ की शूटिंग है। तो ये 12-15 किलोमीटर है पूरा। ये 12 किलोमीटर की वॉल्स बनाई गई। तो वॉल्स वहाँ पे खत्म हो गई है क्या? अपन इसको सर बोल नहीं सकते कि गेट ऑफ चाइना सेकंड वॉल, तो अपन बोलते हैं हाँ। ग्रेट ऑफ चाइना सेकंड वॉल्स जो कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार है सर। अच्छा उसको अपन बोलते थे कि गेट ऑफ चाइना सेकंड वॉल्स, लेकिन ये थर्ड नंबर पे आती है सर। अच्छा इतनी बड़ी वॉल नहीं है सर ये। अच्छा। जो गेट ऑफ चाइना सेकंड वॉल है उतनी बड़ी वॉल नहीं है। अच्छा। ऑनली सिर्फ रास्ता बना हुआ है सर ये। और वो सामने जो है चौकियां बनी हुई है राजाओं के समय में। अच्छा। जहाँ से ढोल नगर ड्रम बजाए जाते थे और राजाओं का संदेश पहुँचाया जाता है। अभी अपन देखेंगे सेकंड पार्ट चल के जो स्टेप बेल वगैरह बनी हुई है, पन्ना मीना का कुंड है, वो आपको दिखाएंगे राजाओं के टाइम का सभी मुकुल सर। सो आइए प्लीज कम। सेकंड पार्ट देखने के लिए चल रहे हैं हम लोग। अच्छा तो नीचे किले का सेकंड पार्ट बना हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टेप बेल बना हुआ है वो आपको नीचे में दिखेगा। अभी अपन निकल रहे हैं चांदपोल गेट से बाहर। ये आम पब्लिक के लिए रास्ता हुआ करता था, इससे अपन लोग बाहर निकल रहे हैं। इससे अपन लोग बाहर निकल रहे हैं आम पब्लिक के लिए। अच्छा तो मिलता है एग्जिट पॉइंट। हाँ। अभी हम जाएंगे नीचे सेकंड पार्ट देखने के लिए। नीचे जा रहे हैं हम लोग सेकंड पार्ट देखने के लिए। और ये हमारे यहाँ के रास्ता में लोकप्रिय होता है। अरे जी